आज के दिन हमने सफ़र करना था तंगी बदिंजई से पीर गार का। तो हमने सफ़र शुरू किया तंगी बदिंजई से लाड़मी गांव तक, लेकिन वहां तक पहुंचकर हमें पता चला कि किसी मसले की वजह से आज के दिन हम हाइक नहीं कर सकते। तो दिन बचाने के लिए हमने यह फैसला किया कि लाड़मी गांव का एक पहाड़ जिसका नाम है मिसू मेला, उसको हाइक कर लेते हैं। आज का दिन भी बच जाएगा और हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। कल के दिन हम चढ़े थे कौन सार के ऊपर, उसकी जो हाइट थी 3500 थी। तो वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर प्रेगल, प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ फॉर प्रेगल, ताकि प्रेगल तक ना हमारी जो स्टेमिना है ये सब चीज़ें ना बराबर होता है कि हम आसानी से चढ़ सकें। और जा रहे हैं, इस जगह का नाम है मिसू, क्या नाम है, मिसू मेला। उसकी जो हाइट तकरीबन 5-6000 के करीब है, तो वहाँ तक टॉप तक जाना है। और ये जो आप चेक कर सकते हैं टोटली स्टीप ही है, और ये सारे नौजवान तैयार हैं, सारे सिपाही तैयार हैं। तो अभी यहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी स्टीप चढ़ के आए हैं, दोबारा चढ़ेंगे अभी। तकरीबन नीचे तंगई से यहाँ तक जो हाइक थी ना 4-4.5 घंटों की हाइक होती है। ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं मिसू बंगले तक। तंगई में एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, तंगई जो है ना एक टूरिज़म हब बन सकता है। पता क्या, इसके विज़िट करने के इतने सारे जगह हैं, इसमें सिर्फ पहाड़ ही नहीं है हाइकिंग के लिए, क्योंकि इसके ये प्रेगल का बेस है, यहाँ से प्रेगल का रास्ता शुरू होता है। यहाँ पर बेहतरीन किस्म के पहाड़ हैं, आप ये पीछे जंगल चेक कर सकते हैं, ये सारा पाइंस का जंगल है, चिलगोज़ों का जंगल है, और जहाँ तक नज़र जाती है जंगल जंगल होता है, प्रेगल तक ये सारा जंगल ही होता है। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है। तो जंगल जैसे आप क्रॉस करेंगे ना, चिलगोज़े के दरख्त जैसे ख़त्म होते हैं, टॉप के करीब हो जाते हैं, तो पुल आता है, एक पुल का पौधा आता है। ये वज़ीरिस्तान का जो है ना नेशनल पुल आप कह सकते हैं, गोजेरा पुल कहते हैं लोकल ज़बान में, गोजेर का पुल कहते हैं इसको। और वहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक सारा पुल ही पुल है। आदिल भाई, इतना खूबसूरत इलाका है आपका जी, हम तो पहली बार तंगी बदिंजई को देख रहे हैं। और तंगी बदिंजई को मैं वज़ीरिस्तान का टूरिज्म हब देख रहा हूँ फ्यूचर में। हब बताएं, इसके अलावा और कितने ज़बरदस्त जगह हैं टूरिस्ट के लिए इन दो पहाड़ों के अलावा? यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा जगह हैं, बंदा यहाँ पे अगर 2 महीने भी गुजार ले तो फिर भी पूरा तंगी बदिंजई नहीं देख सकता। वाकई में मेरी जगह है, टॉप से हम इनको दिखाएंगे ड्रोन शॉट से कि तंगी बदिंजई वाकई में कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, babe. Almost top tak pahunch gaye hain, aur aap piche dekh sakte hain badal aa rahe hain hamare, yahan tak pahunch jayenge. Aur main chah raha hu ki jaldi pahunch jaye taki hum badalon ke darmiyan mein na badalon ke sath khel sake. Kya baat hai Adil bhai, अभी जमशेद भाई ने हमें मजदूरी पे भी लगा दिया, हम गाइड भी हैं इसके, चाय भी पकाएंगे इनके लिए यार। तो जा रहे थे मेहमान, नहीं मेहमानों का हक तो बनता है, वैसे मैं भी इसकी हेल्प करवा रहा हूँ साथ में, बाकी सारे बैठे हुए हैं खुद मज़े से, सारे कुर्तुकलो बैठे हैं, जितने भी कुर्तुकलो हैं यहाँ पे बैठे हैं। ये जगह है, ये अभी हमारी कैंपिंग की जगह है, यहाँ पे अब हम सवैया पे पकाएंगे, चाय भी पकाएंगे और बाकी सब वैसे फजूल की बातें कर रहे हैं। हाँ, हम ये काम की बातें कर रहे हैं, हम पत्थर शत्थर ढूंढने जा रहे हैं, लकड़ियाँ ढूंढेंगे, फिर जाके इनके लिए आग जलाएंगे, चाय बनाएंगे, फिर समय बनाएंगे। हाय, वेले बैठे हैं सारे।
तकरीबन एक घंटा रिफ्रेशमेंट करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, हम तकरीबन सारे बहुत फ्रेश फील कर रहे थे। एंड देन वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स आवर न्यू डेस्टिनेशन। और अगर उस स्टोरी को इस वाली वीडियो में ऐड करेंगे तो शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उस वाली डेस्टिनेशन को एक नई वीडियो में देखते हैं। तब तक अगर आप फारिग हैं तो इंस्टाग्राम पर आके मुझे फॉलो कर लें, तब तक इंस्टाग्राम पर ही बात करते हैं। चलें जी, मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज़।